Good morning, students. In yesterday's video, we have seen, means we have observed the Pune district, major roads, railways and famous places map. So today we are going to see with page number 43. Now see, can you tell? See, this is a picture. What you can see or what you can observe in this picture? See, here the grandfather is sitting. What is he doing? He is reading a newspaper. Right, your grandmother is sitting. What is she doing? She is watching TV. Next, here father is standing. Father is talking on mobile phone. Here a boy is sitting and he is listening to the music. See, here mother is taking a letter from the postman. And here a girl is sitting and she is doing something on the computer. Okay, this is the picture. Now on based on this picture, they have given us some questions. You just have to read it out and tell me the answers. Now what is grandfather reading? Now what is grandfather reading? As I said, that grandfather is reading a newspaper. Next, what is Tai using to find some information? Tai means a girl. What is she using to find some information? Tai ko kuch information find out karni hai. तो वो क्या यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर. व्हाट इज शी यूजिंग? शी इज यूजिंग अ कंप्यूटर टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. व्हाट इज ग्रैंडमदर वॉचिंग? व्हाट इज ग्रैंडमदर? वेयर इज ग्रैंडमदर? हियर. व्हाट इज शी वॉचिंग? शी इज वॉचिंग अ टीवी. ग्रैंडमदर क्या देख रहे हैं? टीवी. दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स. वेयर इज दादा? सी हियर. ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, मीन्स ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग. What has he put in his ears to do this? अभी दादा ने कुछ कान में पहना है. क्या है वो? Yes, headphones. Right, to listening for the songs. What is father using to speak to someone? See here, father is standing. He is speaking to someone. What is he using? He is using a mobile phone. Who is at the door? Who is at the door? डोर के पास कौन है? वॉचमैन एंड मदर. पोस्टमैन एंड मदर. पोस्टमैन एंड मदर. व्हाट इज मदर टेकिंग फ्रॉम हिम? पोस्टमैन से मम्मी क्या ले रही है? अ लेटर और अ पोस्ट कार्ड. ओके, नाउ वी कॉमनली यूज थिंग्स लाइक व्हाट? वी यूज लेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, newspapers, TV, music players, etc. All of these are used as means to send and receive information and messages. All these are means of communication. अभी ये सब क्या है? ये जो हमने इसमें देखे हैं और यहाँ पे जो names दिए हैं, जैसे कि letters, computers, mobile phones, newspaper, TV, music players, etc. ये क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? जो भी न्यू चीज़ें हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हमें कहाँ से समझ में आते हैं? न्यूज़पेपर से, लेटर्स से हमें कम्युनिकेशन करते हैं हम एक दूसरे से, या फिर मोबाइल फ़ोन से हम एक दूसरे से बात करते हैं. टीवी हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं. कंप्यूटर, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो वो यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए? These are all means of communication. एक जिससे हमें नई जानकारी मिलती है. Information and messages. इससे हमें क्या मिलती है? New information और कुछ messages. Now dialects. What is dialects? See, man uses language to talk to each other. हम एक दूसरे के साथ बात करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. जैसे कि जो मराठी बोलते हैं वो मराठी में बात करते हैं, जो हिंदी यूज़ करते हैं वो हिंदी में, जो इंग्लिश वो इंग्लिश, ऐसे अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. एंड टू कम्युनिकेट दिस थॉट्स टू अदर पीपल. और दूसरों के साथ बात करने के लिए भी हम वही सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. द सेम लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़. सो द सेम लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, if we are talking in Marathi, the ways of talking
इन मराठी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन में जाओगे तो मराठी बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सब लोग सेम तरीके से मराठी नहीं बोलते, या फिर कोई इंग्लिश सेम नहीं बोलता है। इंग्लिश में बात करने का भी तरीका अलग अलग होता है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विद द रीजन। जैसे ही रीजन या फिर कोई जगह चेंज होती है तो वहाँ के जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो भी चेंज होती है। सबकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है, आपका अलग हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर अवर लैंग्वेज। नाउ सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर अवर लैंग्वेज। ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी शुड यूज सेम वर्ड्स। अदर लैंग्वेजेस कैन ऑल्सो बी एडेड इन अवर लैंग्वेज। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स। इस तरह से क्या होता है ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। कोई अलग तरीके से बात करता है, कोई अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है। सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का। तो वही उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज भी अलग होते हैं अलग अलग रीजन्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया उन्होंने अहिरनी, मालवनी। जैसे कि हम अगर कोंकण साइड में जाए तो वो लोग भी मराठी ही बात करते, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है बात करने का। तो उसे हम बोलते हैं मालवनी, अहिरनी। ये अहिरनी लोग भी जो मराठी यूज़ करते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है, उनके वर्ड्स भी थोड़े अलग होते हैं। वराड़ी, उनका भी लैंग्वेज या फिर उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आर सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज। ये सब कौन से लैंग्वेजेस है, मराठी ही लैंग्वेज है, लेकिन इनका थोड़ा तरीका और प्रोनाउंसिएशन ये अलग होता है। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, मराठी। कौन सी है, मराठी। नाउ सी, डू यू नो इन द ओल्डन डेज मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वर नॉट वेरी एडवांस्ड। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाई डिफरेंट मीन्स। पुराने ज़माने में मैसेजेस कैसे सेंड करते थे, पुराने ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना सादे फ़ोन्स थे, कुछ भी नहीं था। तो मैसेज अगर हमें सेंड करना हो तो कैसे सेंड करते थे। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाई डिफरेंट मीन्स। समटाइम्स ट्रेंड पीजन्स। क्या करते थे पुराने ज़माने में, जो पीजन्स रहते थे वो ट्रेनिंग दिया गया होता था। ऐसा कोई भी पीजन उठा के उसको एक मैसेज दे दिया और वो भेज देता, ऐसा नहीं होता था। वो ट्रेंड पीजन होता था, उसे ट्रेनिंग देते थे। वर यूज फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्पज, मैसेज सेंड करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। अ मैसेज वॉज सेंड बाय राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और मैसेज कैसे लिखते थे, एक पीस ऑफ पेपर लेते थे, उस पर जो मैसेज दूसरों को हमें सेंड करना है वो लिखते थे ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ या फिर कपड़े के ऊपर। एंड टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। और ये जो बर्ड है उनके पैर को वो मैसेज या फिर वो चिट क्या करते थे, टाई करते थे, बांधते थे और वो पिजन को भेज देते थे। व्हाट्स द सॉल्यूशन। सर्विसेज लाइक मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल इन द एरिया वेर रोहन एंड रूपाली लिव। दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज। अभी रोहन और रूपाली है, उनके एरिया में ना मोबाइल फ़ोन है, ना टेलीफोन है, ना कंप्यूटर है, लेकिन उन्हें अपने रिलेटिव्स को एक मैसेज भेजना है। तो वो कौन से तरीके से मैसेज भेज सकते हैं, आपको उनको हेल्प करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पोस्टमैन के पास भी लेटर लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके पास और कोई तरीका हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, रिसेंटली देर हैज़ बीन ग्रेट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में। हावेवर, इंक्रीज यूज़ ऑफ दीज मीन्स हैज़ ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन। लेकिन जितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। जितने सारे गाड़ियाँ बढ़ रही है उतने ही गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन का भी इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन भी इंक्रीज होते जा रहा है।
देयरफॉर एवरीवन शुड यूज देम केयरफुली, इसलिए हमें हर चीज़ को केयरफुली यूज करना चाहिए। अभी व्हाट वी हैव लर्न्ड, ये चैप्टर से हमने क्या पढ़ा, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड फेमस प्लेसेस इन अवर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका। ओके, इन दिस वे यू ऑल्सो रिवाइज दिस चैप्टर एंड रीड इट आउट। थैंक यू।